सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि SDM बनने के बाद उनकी पत्नी ज्योति मौर्य ने उन्हें छोड़ दिया। आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पत्नी से चैट का एक वीडियो भी पोस्ट किया था। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले पर लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग विचार भी रख रहे हैं। सोशल मीडिया इस सारे विवाद पर दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक पक्ष का यह कहना है कि ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का निजी मामला है, वहीं मीडिया या जनता को इस मामले में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष ऐसे वीडियो डालकर ये दावा कर रहे हैं कि इस घटना के बाद कई पतियों ने अपनी पत्नी की आगे की पढ़ाई पर भी रोक लगा दी है। इस साल जून महीने में आलोक मौर्य का कुछ पत्रकारों से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने रोते हुए ज्योति मौर्य पर धोखा देने और अपने बच्चों से मिलने ना देने का आरोप लगाया था। आलोक मौर्य ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में क्लास 4 के कर्मचारी हैं और उनकी शादी ज्योति से साल 2010 में हुई थी। आलोक ने यह भी दावा किया कि शादी के बाद ज्योति मौर्य की पढ़ाई के लिए लोन भी लिया, कर्जा भी लिया। साल 2015 में दंपति को जुड़वा बेटियां हुई। इसके बाद ज्योति ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की, लेकिन इसके बाद मामले में नया मोड़ आया और आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए और फिर शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। इधर ज्योति ने यह दावा किया कि आलोक ने कहा था कि वे ग्राम पंचायत में अधिकारी हैं, लेकिन शादी के बाद ये पता चला कि वे सफाई कर्मी का काम करते थे। बहरहाल इस मामले को लेकर सुर्खियां काफी ज्यादा चल रही हैं। आलोक कह रहे हैं कि मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो प्लीज। SDM ज्योति मौर्य से पति आलोक ने इस तरह की गुहार लगाई है। करीब 3 साल से ज्योति और आलोक के बीच अनबन बताई जा रही है। 2 महीने पहले ज्योति ने धूमनगंज थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न समेत कई आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है, जिसकी जांच हो रही है। ज्योति ने आलोक पर नौकरी के बारे में झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है, जबकि आलोक ने व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक कर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में एक और मोड़ आया है। ज्योति मौर्य किसी के साथ अफेयर रखती है और उसका नाम होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे बताया जा रहा है। इसके साथ ही आलोक ने यह कहा कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर भी खुद शादीशुदा होते हुए गैर महिला से रिश्ता रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई और किसी का परिवार तोड़ने से पहले सोचे। वैसे शासन स्तर से जांचें पूरी हो चुकी है, जिसमें मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। इस मामले में ताजा अपडेट यह आ रहा है कि PCS अफसर ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड किया जाना कन्फर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ ऑफिशियल आदेश ही जारी होने बाकी हैं। इस खबर के बारे में आप गूगल में भी देख सकते हैं कि तरह तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी आ गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि DG होमगार्ड ने मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है। इस तरह की खबरें और अपडेट्स आ चुके हैं। ज्योति मौर्य केस में मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। निलंबन के साथ ही FIR दर्ज कर जांच की सिफारिश की गई है। मनीष दुबे महोबा में जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर तैनात है। जिस आलोक का जिक्र DG ने किया है, वे ज्योति मौर्य के पति हैं। पति पत्नी के बीच तलाक को लेकर विवाद चल रहा है। आलोक ने आरोप लगाया था कि मनीष का उनकी पत्नी ज्योति के साथ अफेयर चल रहा है, दोनों उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। वहीं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट शासन को मिल गई है। वहीं आलोक ने शिकायत के साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए MSG पर।